वो दावत इस्लाम असल में एक प्रैक्टिकल फील्ड है, कि इसको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, यानी इस पर अमल करना ज़रूरी है। इसको जब तक जाएंगे नहीं, तो काम नहीं करेंगे, तब तक थ्योरी के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सुनते रहेंगे आप, ज़िंदगी भर सुनते रहेंगे, लेकिन ये कभी भी समझ भी नहीं आएगा होता कैसे, क्योंकि ये नमाज और रोज़ा जैसा काम नहीं है कि आपको कुछ सुना कि इस तरीके से नमाज वमाज पढ़ी जाती है, कि आपने देख लिया और चले गए। ये खुद करना पड़ेगा, आप खुद करेंगे तब जाके इसका नॉलेज होगा, नहीं तो इसका नॉलेज नहीं आएगा। ये खुद करने की चीज़ है, और ऐसा नमाज और रोज़ा जैसा भी नहीं कि आपने अकेले कर लिया, अपनी नमाज पढ़ ली, अपना रोज़ा रख लिया, बात ख़त्म हो गई, उसका अजर सवाब मिल गया। तो इसकी अहमियत को जानना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी क्या अहमियत है। उसके बाद फिर हम मुसलमानों तक और गैर मुस्लिमों तक इस पैगाम को हम पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी हैं कि इसके ताल्लुक से, या डर भी रहता है लोगों को, इसके ताल्लुक से डर भी होता है कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, किसको बोलेंगे तो फितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये केस बन जाएगा, और ये तमाम तरह के बहुत सारे डर एक खौफ हमारे अंदर बैठ जाते हैं। इसकी वजह से लोग इसकी तरफ बढ़ते नहीं, अरे क्या मगजमारी करना यार, अभी अच्छा व्यवहार बना हुआ है, रिश्तेदारी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको इस वजह से नहीं करते। या फिर कोई कहते हैं कि कर लिया तो ठीक है, और नहीं भी करा तो कोई ऐसा नहीं है, कोई तो कर ही रहा है, हम करके क्या करें। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि एक हमारा पड़ोसी है, दोस्त है, बरसों से हमारे पास में रह रहे हैं, 10 साल से 20 साल से, उनसे सब बातें होती हैं हमारी, सारे तरह के सोसाइटी के मसाइल, मोहल्ले के मसाइल के बारे में बात हो रही है, बिजनेस के बारे में उनसे हम बात कर रहे हैं, नेताओं के राजनीति के बारे में बात हो रही है, बच्चों के करियर के बारे में उनसे बात कर रहे हैं कि यार तुम्हारा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्या वहाँ पढ़ाई हो रही है, क्या है, ये तमाम चीज़ें हम उससे करते हैं। महंगाई वगैरह की बात हो रही है, सामान कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तमाम तरह की जितना भी हम देखते हैं सब बात हो रही है उससे, सिर्फ सिवाय इस्लाम को छोड़ के, इस्लाम की बात नहीं कर रहे, बाकी सारी उससे बात करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से। तो अब या तो इसका ये है कि एक अजीब डर हमारे अंदर है कि यार नहीं व्यवहार ख़राब हो जाएगा इसलिए बातचीत मत करो, लेकिन ये हमको समझने की ज़रूरत है, इसको हम सीखे भी, इसको हम जाने भी, और करें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर सिर्फ सुनते रहेंगे तो वो ऐसा होगा कि जैसे अगर किसी को मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊं कि भाई कार चलाना आपको सीखना है, तो मैं आपको खड़ी गाड़ी है और उसको बता दूं, आपको उसके अंदर बिठा के 10 दिन तक ले जाकर देखो, ये स्टेरिंग है, इधर घुमाते इधर घूम जाती, इधर से इधर घूम जाती, ये एक्सीलेटर है, ये इसका ब्रेक है, ये गियर है, बस। तब क्या वो आदमी कभी उसको स्टार्ट करके दे दी जाए तो चला पाएगा वो, क्योंकि आपने बंद गाड़ी सिखाई उसको, तो चला ही नहीं पाएगा। तो असल क्या है कि सुनते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम इसको करें ना, करेंगे तो उसके बाद में दिल खुलता है। जैसे कि आदमी गाड़ी चलाता है तो अगर उसको चला दी जाए, थोड़ी सी चलाता है ग्राउंड के अंदर, फिर उसका दिल खुलता है, फिर छोटी जगह पर, फिर देखिए आप रोड पर दौड़ाने लग जाता है, यानी इसका फिर धीरे धीरे उसको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सुनना है तो अमल करना है, असल में तो इत्तिबा करने की हमको कहा गया। वो अल्लाह के रसूल सल्लम का अमल तो इतना था कि अल्लाह के रसूल सल्लम ना इसको दिन देखते ना रात देखते, जब उनको मालूम पड़ता कि कोई नए लोग आए हैं तो फौरन उसके पास उनके पास चले जाते हैं, मालूम रात को भी मालूम पड़ता है कबीला आया है, और उनको पता है रात को आराम करके सुबह निकल जाएंगे सफ़र पर, तो रात ही को पहुंच जाते हैं और उनको दिन की दावत देने चले जाते। तो और उसके अलावा हम देखें वो वहाँ कोई नहीं सुनता तो फिर दूसरी जगह चले, ऐसा नहीं कि हमारे शहर में अब कोई सुन ही नहीं रहा तो फिर दूसरी जगह जाते, अल्लाह के रसूल गए ताइफ के अंदर कि अब ये नहीं सुन रहे वहाँ जाओ, तो वहाँ पर क्या हुआ हम सबको मालूम। तो ये कि करना ही है, तो ये इत्तिबा करना है, तो ऐसा नहीं है कि बस हम इस पर बैठ जाएं कि बस हमने हमारे इस्लाह कर ली खुद की, तौहीद पर आ गए, नमाज़ पढ़ लिया, फ़राइज़ पूरे करके हम बैठ जाएं। तो और इसको ऐसा भी नहीं कि आदमी सोचे कि यार कि सुबह शाम तक के यही काम करूं मैं और कुछ काम नहीं है, या इसके लिए कि अलग से वक्त निकालूं। असल में तो अलग से वक्त कोई निकाल सकता है तो अच्छी बात है कि निकाले, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि अलग से वक्त हो निकालूं तभी ये काम होगा, या आप चलते फिरते, ये तो रूटीन में शामिल होना चाहिए। दुकान पर बैठे हैं, फ्री टाइम है, कोई हमको मिल गया, पड़ोस में कोई बैठा है दोस्त है, उसको फ़ोन करके बुला लिया कि यार अभी सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, या दोपहर में ग्राहक आता ही नहीं है, आपने बुला लिया, उससे बातचीत कर ली,
तो ये इस टाइप का काम है, ऐसा नहीं कि इसको अलग से आप करें, मतलब साथ में करने का काम है, इसको अलग से भी वो नहीं है। और अलग से कोई करता है तो अच्छी बात है इसके लिए, अगर वो एक टाइम निकाल कर और उसके लिए, जैसे हम यहाँ करते हैं कि एक अलग से टाइम निकाल कर उसके लिए वो लोगों को बुलाते हैं, तो इस तरह से भी किया जा सकता है अगर करें तो। लेकिन ये असल में तो ज़िंदगी के अंदर हमारे उसके तरीकों के अंदर और अमलियात के अंदर शामिल होना चाहिए। और जहाँ पर भी मौका मिले, इसके अंदर जगह कई हो सकती है, सफ़र हो सकता है कि जिसके हम गिराक हैं, जो हमारे गिराक हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी है, और हम उनसे देखिए उन सब से हम करते तो हैं मामला दुरुस्त करने के लिए, अखलाक और ये सब चीज़ से हम उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन मतलब इस्लाम नहीं फैल करते, इस्लाम की बात नहीं करते, तमाम बातें हम उनसे करते हैं। क्योंकि हम देखिए एक दूध वाला हमारे यहाँ पर बरसों से आ रहा है, बोले इनसे दूध लेते हैं, बरसों से आ रहा है, हमारे दादा भी लेते थे, हमारे बाप भी लेते थे, हम भी लेते हैं, यही से दूध आता है। लेकिन दूध तो आप ले, लेकिन कभी आपने उसको इस्लाम के बारे में बताया नहीं, बताया। एक सब्जी वाला आ रहा है, आप उससे बरसों से आप ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी उससे बात की। तो असल हमको क्या है कि बात करना है आपको, और असल में काम करना है तो तरीके हज़ार हैं, और नहीं करना है तो एक ही में आदमी बैठ जाता है। तो तरीके तो उसके हज़ार होते हैं अगर करने वाला हो तो। सिर्फ ये है कि सिखावली सुन ले और फिर उसको छोड़ दें तो फिर वो चीज़ हमको फ़ायदा नहीं देती है। तो अब ऐसा भी नहीं कि आदमी सोचे कि यार नहीं यार बात करेंगे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो आप फिर कौन से दीन पर अमल कर रहे हैं? क्या वो ये दीन ऐसा है कि जिसकी बात करने से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं? तो या तो फिर आप गलत दीन है आपके पास में, तो आप ऐसा सोच रहे हैं खुद, तो पहले अपने आप को सोचने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ के ऊपर हैं कि किसी को वो बताएंगे तो आपकी उससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, तो फिर आप गलत होंगे फिर अगर आप ये सोचते हैं। तो बोले नहीं हम तो सही है, वो दीन भी सही है हमारा, तो फिर लोगों को पहुँचाइए आप, फिर कहाँ से ख़राब होगी? जब असल चीज़ है आपके पास में तो फिर क्यों ख़राब होंगे ताल्लुकात? जो जैसा आप खा रहे हैं, अच्छा सेब आप लाते हैं कि यार हम सेब खाते हैं, डिलीशियस ही खाते हैं, अच्छे वाला सेब, तो आप दूसरे को देंगे तो क्यों उससे बीमार पड़ेगा वो? जब आप नहीं पड़े उससे बीमार तो क्यों पड़ेगा? तो ये असल है कि इससे कोई ताल्लुक ख़राब नहीं होते, बल्कि बताने से और ज़्यादा इससे हमको जो है हमारे वो करीब आता है आदमी। क्योंकि अगर हम ये ऐसा देखें कि एक आदमी एक मोहल्ले में रहता है और अगर वो खामोश है, सिर्फ आता है अपने कमरे में घुस जाता है, वापस सुबह निकलता है, फिर चला जाता है, शाम को आता है, फिर कमरे में चला जाता है, अगर वो ऐसा करता ही रहेगा मोहल्ले में, किसी से बात ना करे, अपने बारे में ना बताए, ना किसी का हालचाल पूछ रहा, कुछ नहीं, ऐसा ही करता रहेगा, तो फिर आप सोचिए कि लोगों उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में गलतफहमी बढ़ेगी, या लोग कहेंगे कि नहीं अच्छे आदमी है यार, क्या सोचेंगे? कोई कह देंगे या तो गूंगा होगा, कोई बोल देगा तो पागल होगा यार, इसलिए ऐसे ही रहता है, या फिर कभी ऐसा होगा कि आदमी फिर उसके लिए मुँह बात करने लगे, यार वाकई इसका मामला क्या है? और अगर वो दौड़ी जो है टोपी और दाढ़ी वाला हो, तो फिर मुसलमान हो, तो फिर और उसके लिए शंका पड़ जाएगी, यार चुपचाप आता है चला जाता है, मामला क्या है? वो शंका वाली बात हो जाएगी। और अगर वहाँ पर फिर अचानक से कुछ होता है, मान लो उसके एक धमाका हुआ, उसके कमरे में से, उसके घर में से आवाज़ आई, तो फिर आदमी सारे मोहल्ले वाले सोचेंगे लग रहा था ऐसा ही, बोलता नहीं था, आता नहीं था, चुपचाप जाता, चुपचाप आता, बस दो टाइम आ रहा जा रहा था, कुछ ने कुछ किया, कुछ प्लानिंग थी, इसने फोड़ा बम इसने आज, अब वो देखेगा नहीं जाके अंदर के हुआ क्या बेचारे के वहाँ से। लेकिन वही एक आदमी ऐसा है जो चाहे वो दौड़ी टोपी और दाढ़ी वाला हो, मुसलमान हो, और अगर उस वो सबसे बातचीत करता है, हर किसी से बातचीत करता है, मिलता है, भाई क्या हालचाल है, आपके क्या है, ये है वो, सारे मसाइल पूछता है, बच्चे कैसे, बीवी कैसे हैं, क्या मामला चल रहा है, अगर वो पूछता रहता है, हालचाल पूछता है, सबसे उसकी मुलाकात है, और फिर अगर वो घर में और फिर धमाका होता है, तो अब क्या सोचेंगे लोग? अब उसके पास दौड़ेंगे क्या हुआ इसके साथ, अरे कुछ हो तो नहीं गया, टंकी तो नहीं फूट गई, चलो जाकर उसको बचाना, तो लोग उसको बचाएंगे। लेकिन खामोश है तो फिर वो उसके लिए नेगेटिविटी आती है। तो असल है कि हम बताएंगे तो गलतफहमी दूर होती है, नहीं बताएंगे तो गलतफहमियाँ इससे बढ़ती है। तो ये कि ज़रूरी नहीं कि बात मान ले, लेकिन कम से कम आपस के अंदर से नफरत वगैरह तो निकले, जो आज के तारीख में हम जानते हैं कि ज़रूरी है।